देश में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के काम शुरू किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, आईजी और डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन से जुड़े काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत परियोजनाएं, बाढ़ सुरक्षा का काम, सभी घरों में पेयजल, तालाबों का नवीनीकरण, जल निकासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का काम कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू होगा। उन्होंने कहा कि काम के लिए कोई भी व्यक्ति स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है जो उसे उनकी स्थानीय पंचायत में काम देगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, कोरोना के लक्षण वाले और ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार का कोई सदस्य पिछले 15 दिन के भीतर अन्य राज्य से आया हो उन्हें पास नहीं मिलेगा। साथ ही काम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे लोगों की सहायता के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व लॉकडाउन में फंसे लोगों की सहायता के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। न्यूज़ डेस्क।